तब बड़ी खबर मिल रही है भोपाल के पीसीसी कार्यालय से। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है। खबर मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपस में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए, आपस में ही भिड़ गए। बैठक के दौरान आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और बंद की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां ये विवाद हो गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीसीसी कार्यालय की। हम रुक करेंगे वासु चौरे हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, इस वक्त विपक्ष में है कांग्रेस, और क्यों कांग्रेस पार्टी आखिर बीजेपी को मौका दे रही है? अनुशासन की बात होती है लेकिन अनुशासन नजर नहीं आता है, किस बात को लेकर यह विवाद हुआ? बिल्कुल दीपक, देखिए अनुशासन की बात कांग्रेस लगातार कर रही है लेकिन कहीं अनुशासन नजर नहीं आता। कांग्रेस कार्यालय के अंदर मुख्य सभागार में कार्यकर्ताओं के बीच, जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जमकर मारपीट हुई, हाथापाई हुई। दरअसल कांग्रेस 20 तारीख को मध्यप्रदेश बंद का कांग्रेस ने आह्वान किया है। लगातार बढ़ रहा पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को लेकर ये एक विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है। इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी जिला कांग्रेस कमेटी में, जिसमें शामिल होने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कंसाना समेत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे वो मौजूद रहे। और इसी दौरान दो नेताओं के समर्थकों के बीच में रणनीति को लेकर जो है वो विवाद हो गया। दरअसल कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम में रणनीति ये बना रही है कि जो नेता है, जो उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहीं पर वो आसपास के जो व्यापारी हैं उनसे बंद का आह्वान करेंगे, अपने एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे, अपने प्रभाव वाले एरिया में रहेंगे ताकि हर जगह बंद प्रभावी हो सके। इस तरीके का जो पूरा डिस्कशन है वो बैठक में चल रहा था लेकिन किसी बात पर जब सहमति और असहमति बनी तो इस तरीके की तस्वीर कांग्रेस कार्यालय से सामने आई। लेकिन वहां पर जो आला नेता मौजूद थे उनको इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में करना चाहिए था, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश देनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, मैनेजमेंट पूरा फेल होता नजर आ रहा है तस्वीरों में, बेशक हम वो देख भी पा रहे हैं। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें पूरा मामला, पहले आप तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की है, पीसीसी कार्यालय की है, जहां प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री यहां बैठते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो ये ज़रूर सत्ता में बैठी बीजेपी को एक मौका दे देती है कांग्रेस तंज कसने का। अनुशासन की बात तो होती है लेकिन मैनेजमेंट, अनुशासन नजर नहीं आता है। बेशक विवाद जिस बात को लेकर हुआ है, जैसा कि हमारे सहयोगी वासु बता रहे हैं, बंद को लेकर ये यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को किस तरह से घेरना, इस पर रणनीति बैठक में बन रही थी। लेकिन अचानक से विवाद हो गया कुछ कार्यकर्ताओं के बीच और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। उसके बाद बीच बचाव करने के लिए कांग्रेस के ही कुछ नेता वहाँ पहुँचे और इस मामले को जैसे तैसे शांत कराया।